तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने एंड्रॉयड डिवाइस में स्नैपड्रैगन परफॉर्मेंस की स्क्रिप्ट फाइल को फ्लैश करा रखी है विदाउट रूट। जी हां दोस्तों, मेरा डिवाइस नॉन रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस है। आप भी अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस की स्क्रिप्ट फाइल को फ्लैश करा के अपने डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको अल्ट्रा हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो बहुत कमाल का वीडियो होने वाला दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिया है, वहां पर से जाकर दोस्तों आपको स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड कर लेनी है। करीब दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको फाइल देखने को मिल जाएगी स्नैपड्रैगन 888 करके। जी दोस्तों, इस फाइल को आपको कर लेना सिंपली से बड़ा इसमें डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा ZRCR एप्लीकेशन, इससे कर लेना दोस्तों उस जी फाइल को लोकेट। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड पर चला जाता हूँ, देन मैं उस फाइल को करा लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर से लोकेट। यहाँ पर से दोस्तों वो जी फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों सिंपली से इस जी फाइल को आपको कर लेना एक्सट्रैक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, एक्सट्रैक्ट आप जैसे करेंगे ऊपर में आपको अलग सा फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इस फोल्डर को दोस्तों आपको सिंपली से कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग देखने को मिल जाएगी स्क्रिप्ट फाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको ऊपर में देखने को मिल रही है .pi करके, वही दोस्तों आपकी स्क्रिप्ट फाइल है। इसको दोस्तों हम टर्मुस के थ्रू फ्लैश कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, टर्मुस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहां पर से जाकर दोस्तों टर्मुस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। टर्मुस ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर पहला कमांड डालना है। पहला कमांड है दोस्तों हमारा PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस नैनो। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं क्या कमांड मैंने यहाँ पर टाइप किया है, जिससे दोस्तों आपकी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको अगेन देख लेना दोस्तों, PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस नैनो, ये कमांड आप जैसे डालेंगे आपका जो नैनो प्रोग्राम है दोस्तों फुल्ली अपडेट हो जाएगा। देन दोस्तों सेकेंड कमांड है हमारा नैनो स्पेस। नैनो स्पेस के बाद दोस्तों अगेन आपको अपना ZRCR एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। देन दोस्तों ये स्क्रिप्ट फाइल है, उसको सिंपली से रीनेम करके दोस्तों इसका पूरा नेम आपको कॉपी कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कॉपी करेंगे, देन दोस्तों टर्मुस पे आएंगे, देन दोस्तों नैनो स्पेस के बाद इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से हो चुका है आपका काम कंप्लीट। अगेन आपको इंटर पे क्लिक कर देना है। इंटर पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका अलग सा नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों अगेन आपको ZRCR एप्लीकेशन पर चली जानी है। यहाँ पर से दोस्तों आपने जो स्क्रिप्ट फाइल अभी रीनेम की थी उसी को दोस्तों ओपन कर लेना है किसी भी टेक्स्टवेयर एप्लीकेशन से। देन दोस्तों जितनी भी आपको ये स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है उस सबको दोस्तों सेलेक्ट ऑल कर लेना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अगेन आपको टर्मुस एप्लीकेशन पे चली जानी है। देन दोस्तों आपको नया सा विंडो ओपन मिला, उसी पे कर देना है दोस्तों इसको पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा नीचे में एक कंट्रोल प्लस एक्स एक साथ आपको प्रेस करना है, देन दोस्तों वाई प्रेस करना है, देन आपका यहाँ पर से इंटर अगेन कर देना है। इंटर आप जैसे करेंगे दोस्तों ये स्क्रिप्ट आपकी टर्मुस में लोड ले चुकी है। अब बात आती है दोस्तों इस स्क्रिप्ट फाइल को फ्लैश कराने की। जी हाँ दोस्तों, फ्लैशेबल कमांड है हमारी BASH स्पेस। अगेन दोस्तों आपने जो वहां पर ऊपर में कॉपी किया था रीनेम, उसी को दोस्तों यहां पर अगेन आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। आपको दोस्तों सिर्फ उस बार आपने नैनो लिखा था, इस बार आपको बैस लिखना है। जी हाँ दोस्तों, BASH स्पेस के बाद वो नेम आपको यहां पर सिंपली से पेस्ट कर देना है। देन अगेन दोस्तों इंटर पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों आपकी जो स्नैपड्रैगन 888 की जो स्क्रिप्ट फाइल है वो दोस्तों यहां पर से फ्लैश होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते दोस्तों विद रूट, मैंने अपने वीडियो में बता दिया कि किस प्रकार से आप विदाउट रूट किसी भी एंड्रॉइड में दोस्तों इस मेथड से स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस को एनेबल कर सकते हैं। तो एन दोस्तों आपको सिंपली से अपना जो सेकंड फाइल दी है वो दोस्तों टेक्स्ट फाइल है, उसको दोस्तों सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको हर एक चीज के लिए यहां पर एक एक कमांड देखने को मिल जाएगी। कमांड को आपको कॉपी करना है, देन दोस्तों टर्म्स पे आकर इसको पेस्ट करते जाना है। जी हां दोस्तों, आपको पहला मंगा है वेंडर। वेंडर के बाद दोस्तों आपका अगेन अपना टर्म्स पे आपको टेक्स्ट वेयर ओपन कर लेना है। टेक्स्ट वेयर ओपन करने के बाद आपको दोस्तों जो जो कमांड यहां पर मंग रहा है उसको दोस्तों सिंपली से टेक्स्ट वेयर से यहां पर कॉपी पेस्ट करते जाना है। आपका दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस दोस्तों आपके डिवाइस में बहुत ही आसानी से इस मेथड से एनेबल हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो, नीचे में कमेंट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।